गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तन्वी फ्रॉम एवरेस्ट क्लासेस। आज 21 सितंबर 2018 के हिंदी ट्यूटोरियल के साथ प्रेजेंट हूँ। इस पूरे लेक्चर में वोकैबलरी पे आपके फोकस किए गए हैं, यानी कि जो भी वोकैब्स आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आपके दिखेंगे वो सारे आज के हिंदी ट्यूटोरियल में यूज़ किए गए हैं। इसे पढ़ के, इसे यूज़ करके जो हैं, इसे देख कर आप जो हैं ट्यूटोरियल आपको समझने में थोड़े ईजी होंगे, इसलिए इसके बेसिस पे ही वोकैबलरीज जो हैं वो रेडी किए जाते हैं विद देयर सिनोम्स एंड एंटोनिम्स। इस पूरे डिस्कशन में हम लोग वोकैब्स जो हिंदी ट्यूटोरियल से लिए जाते हैं, 10 वोकैब्स होंगे इंग्लिश एंड हिंदी मीनिंग्स, सिनोम्स होंगे, एंटोनिम्स एंड एग्जांपल्स। इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ इनबॉक्स मी एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गेट दैट सजेशंस। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कमिंग टू द फर्स्ट वर्ड, दैट इज आउटलॉड, मीन्स गैर कानूनी। It is a noun and the meaning is a person who has broken the law and who lives separately from the other part of the society because they want to escape legal punishment. मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, आप देख सकते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लॉज वगैरह जो हैं वो उसको ब्रेक करते हैं और उसके बाद वहाँ से अलग जगह पे, यानी कि अलग जगह पे वो अपना रहना स्टार्ट कर देते हैं ताकि लीगल जो पनिशमेंट्स हैं उससे बच सकें। जैसे कि आप नीरव मोदी को देख सकते हैं या फिर विजय माल्या को देख सकते हैं, लीगल यहाँ पे जो है इलीगल वर्क्स हुए थे लेकिन उन्होंने यहाँ से जो लीगल पनिशमेंट उनको मिलने चाहिए, चाहे लीगल प्रोसीजर जो उनके साथ होने वाला है उससे वो दूर जाके किसी और कंट्री में जो वो सेटल डाउन हो गए हैं। सिनोम्स आर एक्सपायर्ड, लैप्स्ड, अनलॉफुल, प्रोहिबिटेड and the antonyms are accepted, allowable, legalized, tolerable and the example is Robin Hood was an outlaw who lives in the forest and stole from the rich to give to the poor. Second one is conspiracy, means षड्यंत्र. Noun and the meaning is the activity of secretly planning with other people to do something bad or illegal. सीक्रेटली किसी चीज़ के लिए अगर प्लान कर रहे हैं आप किसी के साथ बुरा करने के लिए, उसे षड्यंत्र बोलते हैं, यानी कि बिना उसके इजाज़त, बिना उसको बताए हुए उसके रिगार्डिंग आपकी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। द सिनोम्स ऑफ प्लॉट, इंट्रिग, कॉल्यूजन, ट्रिक। एंटोनिम्स आर एक्यूरेसी, जस्टनेस, ट्रूथ, जस्टनेस एंड द एग्जाम्पल इज द थ्री मेन आर एक्यूज ऑफ कॉन्स्पिरेसी। थर्ड वन इज प्रॉबिंग, मीन्स जांच संबंधी, एडजेक्टिव एंड द मीनिंग इज इंटेंडेड टू गेट इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या फिर उससे ज़्यादा संबंधित, ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए जब किसी चीज़ में हम लोग वो प्रोसेस करते हैं उसे जांच संबंधी या फिर प्रॉबिंग बोलते हैं। द सिनोम्स आर क्यूरियस, क्वेरिंग, इन्वेस्टिगेशन, श्रियूड। एंटोनिम्स आर रिजर्व्ड, आइडियोटिक, असर्टिंग, impassive and the example is she asked me a few probing questions. Fourth one is insurgents, means vidrohi ya bagi. Noun and the meaning is someone who is fighting against the government in their own country. अपने ही कंट्री में जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हें विद्रोही या फिर बागी बोलते हैं, insurgents. Synonyms are revolutionaries, rebels, insubordinates, rioters. Antonyms are loyalists, contempt, subordinates. Example is all approaches to the capital are now under the control of the insurgents. Fifth one is substantive, means vastavik ya fir maulik. Adjective and the meaning is important, serious or related to real effect. Synonyms are tangible, significant, essential, indispensable. Antonyms are procedural, reliant, coexistent and the example is substantive research on the subject needs to be carried out. Sixth one is conjecture, means anuman. Noun and the meaning is a guess about something based on how it seems and not on proof. Synonyms are suppose, surmise, speculate, theorize. Antonyms are interpret, reality, triumph,
certainty. And the example is, there have been a lot of concerns in the media recently about the marriage. Coming to the seventh one, that is commemoration, Miss Smaranotsav ya fir Kirtiman. Noun and the meaning is something that is done to remember officially and give respect to the great person or event. कभी कभी हम लोग जो हैं किसी को याद करने के लिए, ऑफिशियली किसी को याद करने के लिए या फिर उनको रिस्पेक्ट करने के लिए जो हैं कुछ ऐसा हम लोग करते हैं, उसे कॉमेमोरेशन बोलते हैं. सिनोम्स आर ऑब्जर्वेंस, रिमेम्बरेंस, मेमोरियल, मॉन्यूमेंट एंड द एंटोनिम्स आर हॉलिंग, फ्लॉटिंग, इन्फ्रिंजमेंट, निगलेक्ट. एंड द एग्जाम्पल इज, थाउजेंड्स ऑफ वेटरन्स विल टेक पार्ट इन अ कॉमेमोरेशन of the battle. Eighth one is armistice, Miss Yudhviram. Noun and the meaning is a formal agreement between two countries or group at war to stop fighting for a particular time, especially to talk about possible peace. संभवतः जो peace है उसको maintain करने के लिए उसके रिगार्डिंग अगर दो कंट्री के बीच में जो भी झगड़ा चल रही है, युद्ध हो रहा है, उसके कुछ समय तक के लिए अगर उसे विराम लगाया जाता है, उसे आर्मिस्टिक बोलते हैं. द सिनोम्स आर ट्रूस, अकॉर्ड, सीज फायर, सस्पेंशन, पैसिफिकेशन. एंटोनिम्स आर डिस्प्यूट, स्ट्राइव, रकस, कन्फ्लिक्ट. एग्जाम्पल इज, a 2-week armistice has been declared between the rival factions. Ninth one is reciprocate, means paraspar adan pradan karna. Verb and the meaning is to share the same feeling as someone else or to behave in the same way as someone. Kisi jis tarah se samne wala aapke sath behave kar raha hai, wahi agar aap uske return back dete hain, use reciprocate bole, yani ki adan pradan karna. Synonyms are retaliate, requite, alternate, recompense. Antonyms are differ, disagree, ignore, deny. And the example is, we invited them to dinner and a weekly later they reciprocated. Last one is concrete, means yatharthpurn adjective, and the meaning is clear and certain or real and existing in a form that can be seen or felt. बहुत ही आप बोल सकते हैं वैसा फैक्ट जिसे आप फील कर सकें या फिर आप देख सकें, उसे कंक्रीट बोलते हैं. द सिनोम्स आर टैंजिबल, एक्चुअल, मटेरियल, डेफिनेट. एंड द एंटोनिम्स आर अब्स्ट्रैक्ट, फ्लेक्सिबल, प्लायबल, कंसेप्चुअल. एंड द एग्जांपल इज, दे थिंक सी किल्ड हर हस्बैंड बट दे हैव नो कंक्रीट एविडेंस. Avis target IS batch for the 64th BPSC PT target batch are going on and the time is 4 p.m. to 7 p.m. and for any queries you may call us on 9334489006 9334489006. Thank you for watching this video. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for the latest notification.